सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पैराग्लाइडिंग के लिए निकल रहे हैं। हम लोग आफ्टरनून में ही गए थे बट मौसम ख़राब होने के कारण पैराग्लाइडिंग बंद कर दी गई थी। सो अभी हम लोग जा करके देखते हैं, शायद अभी मौसम तो यहाँ की क्लियर है, यहीं नौकुचिया ताल में पैराग्लाइडिंग होती है। तो अभी हम लोग जा कर देखेंगे कि शायद अभी तो मौसम सही है तो हो भी सकती है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी पैराग्लाइडिंग के वो फ्लाइंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और बड़ी खुशी की बात है कि अभी फ्लाइंग ऑन है क्योंकि मौसम अभी साफ़ है। तो अभी एंजॉय करेंगे और दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड नौकुचिया ताल पैराग्लाइडिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। इस जगह पर पैराग्लाइडिंग करने का एक अपना अलग ही अनुभव है। आप पैराग्लाइडिंग की मदद से आसमान से एक पक्षी की तरह इस सुंदर शहर को देख सकते हैं। पैराग्लाइडिंग की कीमत करीब 2000 रुपये है। कॉन्टेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, फिलहाल तो हमने अभी भीमताल और नौकुचिया ताल देख लिया है और अभी हम लोग स्टे करने के लिए यहाँ पे पदमपुरी जगह है जो कि भीमताल से करीब 14 किलोमीटर दूर है। बेसिकली यहाँ पे हमने टेंट ले रखा है और ये टेंट काफ़ी मतलब इतनी अच्छी जगह पे है और इतनी शांति है। हम लोगों ने जहाँ स्टे कर रखा है उसका नाम है वाइल्ड रूट कैंप। ये पदमपुरी में है जो कि नौकुचिया ताल के जस्ट 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है ये। लेकिन ये थोड़ी क्राउड एरिया से बहुत हटके जगह मतलब ये सिचुएटेड है। तो आप लोग आइएगा ज़रूर यहाँ पे, और इतनी अच्छी जगह है और यहाँ से आपको नज़ारे इतने सुंदर दिखेंगे। और ये जो कैंप आपको पीछे दिख रही होगी, ये कैंप बेसिकली हम लोगों की 1400 रुपये की पड़ी है, जिसमें आप लोग को इंक्लूड रहेगी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। एंड अंदर का भाई टेंट काफ़ी स्पेसियस और इतनी अच्छी से बनाई है, और प्राइवेट आपको वॉशरूम मिलेंगे और गर्म पानी ठंडे पानी की सारी सुविधा अवेलेबल है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली लॉन है। तो इस लॉन एरिया में आप लोग आप नाइट में बॉनफायर कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो आपको मेरे पीछे दिख रही हुई, ये डाइनिंग हॉल है। तो यहाँ पे आप मील आपको यहीं पे मील प्रोवाइड की जाती है। तो मेरे एक्सपीरियंस से अभी तक का तो सबसे बेस्ट कैंप रहा है। सो अगर आप लोग आइएगा तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। तो अभी मैं यहाँ के आपका लोकेशन एक बार दिखाता हूँ। कैंप का कॉन्टेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो कभी भी आइएगा तो एक बार स्टे जरूर करिएगा। अभी हम लोग
पदमपुरी कैंप से मुक्तेश्वर जा रहे हैं और यहाँ चेकआउट करने वाले हैं। तो यहाँ का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, बाकी मेरी मम्मी से पूछते हैं कैसा लगा उनको। मैं पदमपुरी जगह पे आई हूँ और मैं कैंप में रुकी हूँ। यहाँ का दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगा और मैं अब अभी अभी कैंपिंग करके मुक्तेश्वर जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मुक्तेश्वर के लिए यहाँ से पदमपुरी से निकल चुके हैं और जब आप मुक्तेश्वर जाओगे तो बीच में बहुत सुंदर नज़ारे आएंगे, तो इसे मिस मत कीजिएगा कभी आप लोग आ रहे हैं तो। और अभी हम लोग बीच रास्ते में, कौन से वाटरफॉल है भैया? भालूगढ़। भालूगढ़ एक वाटरफॉल है, तो वहाँ आपका लोकेशन दिखाते हैं। से वीकेंड के साथ अपनी यादों को और बेहतर बना सकते हैं। मुक्तेश्वर में स्थित भालूगढ़ वाटरफॉल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। इस वाटरफॉल का पानी करीब 56 फीट ऊंचाई और 40 फीट गहरा तालाब है। प्रकृति की गोद में बसा ये झरना दिखने में काफी सुंदर और आकर्षक है। इस झरने तक पहुँचने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर तक आपको ट्रेकिंग करनी पड़ती है, जो यहाँ का घने जंगलों और साथ में बहती नदी इस ट्रेक को काफी खूबसूरत बना देता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं और मुक्तेश्वर में हमारा जो डेस्टिनेशन है वो महादेव टेंपल है। तो आपको यहाँ का लोकेशन और इन्फॉर्मेशन बताते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन मुक्तेश्वर धाम है। उत्तराखंड के नैनीताल शहर से करीब 51 किलोमीटर दूर मुक्तेश्वर धाम है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मान्यताओं के अनुसार यहां पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस
शिवलिंग की आयु लगभग 5,350 वर्ष है। मुक्तेश्वर धाम मंदिर में व्हाइट मार्बल का शिवलिंग भी मौजूद है। शिवलिंग के अलावा यहाँ पर भगवान गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान और नंदी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस का वध किया था और उसे मुक्ति प्रदान किया था, इसलिए इसका नाम मुक्तेश्वर पड़ा। अभी हम लोग मुक्तेश्वर में हैं और आज की हमारी ट्रेन है न्यू दिल्ली की। तो आज हम लोग अभी फिलहाल हम लोग मुक्तेश्वर से काठगोदाम जाएंगे, फिर वहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन है। और इस ट्रिप में बहुत एक्साइटमेंट पहले से थी क्योंकि मैं ऑलरेडी प्री बुकिंग कर रखा था पैराग्लाइडिंग ये सब के लिए। एडवेंचर थी, हम लोग को बहुत मज़ा आया, खासकर मेरी मॉम को, क्योंकि हम लोग यहाँ देवभूमि में आ रखे हैं और यहाँ मंदिर ज़्यादा संख्या में है, तो उनको खास करके मज़ा आया। और फिलहाल यही है, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आज ट्रेन पकड़ के फिर न्यू दिल्ली जाते हैं। तो हमारी उत्तराखंड की जो ट्रिप रही, बेसिकली नैनीताल और भीमताल, नौकुचिया ताल और यहाँ मुक्तेश्वर की, बहुत बेस्ट अच्छी रही है, बहुत मज़े आए। सो आप लोग आइए, ज़रूर यहाँ विज़िट करिए हमारे देवभूमि उत्तराखंड में। सो थैंक यू।